हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपडेट चैनल स्पोर्ट्स इन क्रिकेट में। स्वागत में आपको क्रिकेट से लेटेस्ट खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सके। पहली बड़ी खबर करूँ करें, खबर निकल के आ रही है रवि शास्त्री के हवाले से। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री के मुताबिक रोहित शर्मा टीम में जुड़े हैं, लेकिन अब जो प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। और अब अगर वो अच्छी प्रैक्टिस मैच में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसको जाएगा तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि वो तीसरे टेस्ट में खेले, ये कहना है रवि शास्त्री का। दूसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही है टीम सऊदी के हवाले से। सऊदी की बड़ी खबर, टीम सऊदी ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट पूरे कर लिए हैं और अब वो 300 विकेट पूरे करने वाले क्लब में जुड़ गए हैं। सऊदी की बड़ी खबर निकल के आ रही है 300 विकेट के क्लब में वो जुड़ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अपनी अपने करियर में की है और अब वो 300 विकेट के क्लब में शामिल हो गए हैं। सऊदी की बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच खेला गया, दूसरा टेस्ट मैच जो खेला गया, उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम को 40% मैच फीस काटा गया। स्लो ओवर रेट के कारण उनको 40% मैच फीस काटा गया। इसके अलावा ICC टेस्ट चैंपियनशिप में भी 4 पॉइंट उनको वो 4 पॉइंट उन्होंने गंवा लिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक तो 40% मैच फीस, इसके अलावा 4 पॉइंट उन्होंने गंवाए हैं ICC टेस्ट चैंपियनशिप में। और चौथी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, डेविड वार्नर तीसरे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये भी तय है कि अगर वो टीम के साथ जुड़ेंगे तो वो प्लेइंग 11 में भी जगह बना लेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगले मैच में डेविड वार्नर के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम उतर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।